तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्क टीवी पर। एक मिनट, ये क्या पहन रखा है मैंने, जरा से चेंज करें। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं अपने हाई स्कूल के ड्रेस पर, जो मैं पहले पहना करता था। केवी स्कूल की ये ड्रेस है और 3 साल पहले मैंने पास आउट कर लिया था केवी स्कूल से पूरी तरह से। और आज मैं आप सभी को टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल कोरियन ड्रामास के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि कोरिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और वो हाल फिलहाल में ही आए थे, यानी कि नए कोरियन ड्रामास इस लिस्ट में मैंने इंक्लूड करे हैं, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। ये सभी के सभी कोरियन ड्रामास ऑफिशियली हिंदी डब पर अवेलेबल है MX पे, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, Z5 जैसे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर में। और ये एक से बढ़कर एक कोरियन ड्रामा होने वाले जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये जो लिस्ट है ना वो रैंडम लिस्ट होने वाली है, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कोरियन ड्रामाज है ना वो आपको इस लिस्ट के बीच में मिल सकते। इसलिए आप ये मत सोचना कि इस वीडियो का लास्ट वाला कोरियन ड्रामा बढ़िया ही होगा, आपको बढ़िया कोरियन ड्रामा इस लिस्ट के बीच में मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें और इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, स्कूल में कहते नहीं कि छोटे बाल रखो, तो इस वीडियो के लिए मैंने अपने बाल भी कटा रखे हैं। तो इस एफर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और के ड्रामा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना किसी और देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो हमारा पहला कोरियन ड्रामा निकल गया था उसका नाम है स्कूल 2017। इसे 2017 में ही रिलीज किया गया था और IMDb पर 7.4 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं Z5 के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर आप करने वाले इवन हुकी, जो की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है ताई वुन से, जो की अमीर फैमिली का बेटा होता है और स्कूल में टाइम पास करने के लिए आता है। इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर एक दिन स्कूल में हमें पता चलता है कि एक स्टूडेंट एक्स नाम का कोई अननोन स्टूडेंट है जो स्कूल में तबाही मचा रहा और उसने स्कूल के टीचरों के नाक में दम कर दिया है और कोई भी नहीं जानता कि वो स्टूडेंट एक्स असल में है कौन। एक दिन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जिसके बीच में यून हो अपने आप को पाती है और सबको लगता है कि यून हो ही स्टूडेंट एक्स है, जिसके बाद में यून हो अपने आप को इनोसेंट साबित करना चाहती है और बताना चाहती है कि वो स्टूडेंट एक्स नहीं है, जिसके लिए वो क्या क्या करती है और आखिर उसमें उसका दोस्त यानी कि ताइवन उसके साथ कैसे देता है और इन दोनों की लव स्टोरी कैसे बिल्ड होती है। इस ड्रामा को आपको एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए क्योंकि इस ड्रामा में आपको काफी ज्यादा हंसी आने वाली है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी अंदर आने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा निकल गया था उसका नाम है सोलोमन परजूरी। इसे 2016 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.4 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर। जो इस ड्रामा की स्टोरी ना वो काफी ज्यादा मिस्ट्री थ्रिलर वाली स्टोरी है और यहाँ पर आपको एक ऐसा सीन देखने को मिलता है ना जो स्कूल के अंदर में काफी रेयरली होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना वो एक दिन सबको डेड मिलता है क्रिसमस के नाइट के दिन पर और सबको लगता है कि उसने किया क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है अपने स्कूल लाइफ में। पर आगे जाके हमें पता चलता है कि विटनेस के द्वारा कि उस बंदे साइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर किया गया है, जिसके बाद में उसके सभी दोस्त इस केस के पीछे के मर्डर को सामने लेकर आना चाहते हैं, जिसके लिए वो स्कूल में एक इन्वेस्टिगेशन बैठाते हैं और वो हर किसी से सवाल पूछते हैं, जिसके बाद में स्कूल के सभी टीचरों के सभी स्टूडेंट के डार्क सीक्रेट सामने में आते हैं, जिसकी वजह से ये जो ड्रामा है ना काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स लेता रहता है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो अब बात कर लेते हमारे अगले कोरियन ड्रामा के बारे में जिसका नाम है गंगनाम ब्यूटी। इससे 2018 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX पे के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर आप कहानी देखने वाले मीराए की, जो कि बचपन से दिखने में अच्छी नहीं थी और उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था और हर कोई उसे बुली करता था। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर मीराए जो है वो अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा सुंदर दिखने लग जाती है। इसके बाद में जब वो नए कॉलेज पर जाती है सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं और ये देखकर मीराए काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि अब मैं नई स्टार्ट करूंगी अपने जीवन में। पर ये जो खुशी है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती क्योंकि उसकी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात जो है पूरे स्कूल में लीक हो जाती है। ऐसे में क्योंग सुक जो है, जो कि उसे पहले से जानता है पर इसके बारे में मीराए को नहीं पता है, वो उसका सपोर्ट करता है और इन दोनों की हमें यहाँ पर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा इंगेजिंग है। आगे क्या कुछ होने वाला है वो सभी आप इस ड्रामा में आगे देखिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा निकल गया था उसका नाम है द गोल्डन स्पून। इसे 2022 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। भाई जो ये ड्रामा है ना वो आपको जिंदगी की इतनी बड़ी सीख देने वाला है ना जिसे आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे और ना आप भूलना चाहोगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आपको ये ड्रामा एक बार जरूर से देखना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में स्टोरी आपको देखने को मिलती है ली सुइंग की, जो कि गरीब फैमिली में पैदा हुआ है और वो चाहता है कि वो अमीर बने और उसके लिए वो काफी कोशिश करता है पर उसके बावजूद भी उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही होती है और वो गरीब का गरीब ही रह रहा होता है। इस सब चीजों से थक हार कर ली सुइंग जब अपने घर जा रहा होता है तब उसे बीच में एक लेडी मिलती है जो एक गोल्डन स्पून बेच रही होती है और वो उसे बताती है कि अगर इस गोल्डन स्पून से तुम किसी अमीर के घर में खाना खाओगे ना तो तुम उस अमीर के बेटे बन जाओगे और तुम्हें उसके लिए अब खुद की असली फैमिली को छोड़ना होगा। पहले तो
इटली से, उस पर यकीन नहीं करता पर फिर भी वो चम्मच खरीद लेता है और वो अपने अमीर दोस्त के घर में जाकर खाना खाता है उस चम्मच से। और फिर उससे पता चलता है कि वो अब उस अमीर घर का बेटा बन चुका है और अब वो अमीर बनने के बाद में कैसा फील करता है, कैसे हमें इस ड्रामा के अंदर में असली फैमिली असली लव का पता चलता है और आगे ली सुंग के साथ में उस गोल्डन स्पून की वजह से क्या क्या होने वाला है, ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 80 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा निकल गया था उसका नाम है ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इसे 2019 में गया था, उसे IMDb पर 8/10 की रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं MSPL के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में होता क्या कि जो मुजिन फैमिली वो डिसाइड करती है कि वो एक दिन किसी और शहर में रहने जाएगी और वहां पर वो अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, पर जो उनका छोटा बेटा होता है ना वो स्कूल में है और जब ये खबर उनके परिवार वालों को पता चलती है तब वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके बेटे ने क्यों किया। और जब वो उस केस के तहकीकात करते हैं ना तो उन्हें पता चलता है कि ये नहीं था बल्कि कुछ और ही है और वो इन्वेस्टिगेशन करना चालू रखते हैं अपनी तरफ से। तो लास्ट तक क्या क्या पता चलने वाला है, क्या डार्क रियलिटी सामने आने वाली है स्कूल की, वही सब आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा निकल गया था उसका नाम है हू आर यू, पर इसे स्कूल 2015 भी कहा जाता है और ये 2015 में ही रिलीज हुआ था और इसे IMDb पर 7.6/10 मिली है और Zee5 के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो इस ड्रामा के अंदर में वाले इन ब्यूल की जो की काफी ज्यादा प्रेस्टीजियस स्कूल के अंदर में जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा अमीर होती है और वो अपने स्कूल में काफी ज्यादा फेमस होती है, पर एक दिन वो अपने स्कूल से मिस्टीरियसली गायब हो जाती है और उसकी जगह पर उसी की जैसे दिखने वाली यानी कि यूनबी जो कि एक ओवर फैमिली से बिलोंग करती है वो आ जाती है और किसी रीजन की वजह से वो अपनी पूरी याददाश्त खो चुकी होती है। तो ऐसे में वो यूनबिल की जिंदगी जीने लग जाती है और उस दौरान उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आखिर यूनबिल कहां गायब हो गई है वही सब आपको इस पूरे ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला ड्रामा निकल गया था उसका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू, इसे 2019 में गया था, उसे IMDb पर 7.8/10 मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं जियो सिनेमा और Zee5 के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर आप कहने वाले उंडा की जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है और अभी एक हार्ट डिजीज से सफर कर रही होती है जिसकी वजह से वो कभी भी मारी जा सकती है, उसके पास में काफी कम टाइम है जीने के लिए। ऐसे में एक दिन सुबह चलता है कि वो जो जिंदगी जी रही है ना वो एक एक्चुअल में कॉमिक है यानी एक वेबटून है और वो उस वेबटून की कैरेक्टर है और उसमें से भी वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। और ये सब देखने के बाद में उंडा जो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो खुद एक मेन लीड बनना चाहती है, जिसके बाद में उंडान उस वेबटून को चेंज करने लग जाती है और अपने हिसाब से सब कुछ करने लग जाती है और अपनी खुद की लव स्टोरी शुरू करती है उस वेबटून के नंबर 13 कैरेक्टर के साथ में। और लास्ट तक उंडान की स्टोरी कैसे बदलती है और क्या क्या उस बीच होने वाला है वही सब आपको इस पूरे के पूरे ड्रामा में आगे देखना है। ये ड्रामा काफी ज्यादा यूनिक है और इसे देखने में हमें काफी ज्यादा मजा भी आता है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा निकल गया था उसका नाम है @18, इसे 2019 में गया था, उसे IMDb पर 7.4/10 मिली है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MSPL के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में करने वाले जून ऊ की जो कि अपने पिछले स्कूल से ट्रांसफर लेकर अभी नए स्कूल में ज्वाइन कर रहा है और स्कूल ज्वाइन करते ही सब पता चल जाता है कि जून ऊ ने पिछले स्कूल में बहुत बड़ा कांड किया था यानी कि वो बहुत ज्यादा बदमाश है और वो एक साथ ही साथ में बहुत बड़ा चोर भी है। पर उन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो बातें वो सब झूठी हैं, पर इसके बावजूद भी इन वो को वो काफी ज्यादा परेशान करते हैं और स्कूल में भी वो काफी ज्यादा बुली हो रहा होता है, उस पर झूठे इंजाम लग रहे होते हैं और टीचर भी उसे सपोर्ट नहीं कर रही होती है, टीचर को भी लग रहा होता है कि इन वो एक चोरी है। ऐसे में स्कूल में पढ़ रही सुबिन जो कि वहां के क्लास प्रेप की गर्लफ्रेंड है उसे जुनवू पर यकीन होता है और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाती है, जिसकी वजह से क्लास के प्रेसिडेंट को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है और वो जुनवू की जिंदगी तबाह करने में लग जाता है। ऐसे में जुनवू कैसे सरवाइव करता है, कैसे अपने प्यार को पाता है और कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करता है वही सब आपको इस पूरे पूरा ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा निकल गया था उसका नाम है वेट लिफ्टिंग फेरी किम बॉक जू, इसे 2016 में गया था, उसे IMDb पर 8.3/10 मिली है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं Amazon मिनी टीवी पर। इस ड्रामा के अंदर में आप कहानी देखने वाले हैं बॉक जू की जो कि एक वेट लिफ्टर होती है और वो चाहती है कि वो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीते और उसके लिए वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है। ऐसे में उसकी मुलाकात हो जाती है जंग जून से जो कि उसके बचपन का दोस्त होता है और वो एक प्रोफेशनल स्विमर होता है और वो भी उसी अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा होता है जहां पर बॉक जू ट्रेनिंग ले रही होती है और वो दोनों मिलते रहते हैं और जंग जून जो है ना बॉक जू को काफी ज्यादा पसंद करता है पर वो उसे बताता नहीं है। ऐसे में बॉक जू को जंग जून के बड़े भाई यानी कि JE से प्यार हो जाता है और उसकी वजह से वो अपने ट्रेनिंग पर भी ध्यान नहीं दे पा रही होती है, पर इसके बावजूद भी जंग जून जो है ना उसको फुल सपोर्ट करता है और धीरे धीरे हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा इंगेजिंग है, काफी ज्यादा मजा आता है देखने में, काफी ज्यादा फनी है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा निकल गया था उसका नाम है माय स्ट्रेंज हीरो, इसे 2018 में गया था, उसे IMDb पर 7.3/10 मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं अतरंगी के चैनल पर। इस ड्रामा के अंदर में आपका देखने वाले बॉक्स सू की जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में स्कूल पर बिना किसी को परेशान करे आराम की लाइफ जी रहा होता है, पर एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती
जाती है सू जंग से, और उसे मिलते ही बॉक्सू को उससे प्यार हो जाता है और वो कहते हैं ना उसे फर्स्ट लव हो जाता है। ऐसे में उसकी जो फर्स्ट लव और उसका बेस्ट फ्रेंड है ना उसे एक ऐसे केस में फंसा देते हैं जो उसने किया भी नहीं होता है, और उस केस की वजह से बॉक्सू को स्कूल छोड़कर जाना पड़ता है, स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये चीज बॉक्सू को काफी सालों तक परेशान करती है और वो सब सह नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो वापस से उसी हाई स्कूल पर जाता है जहाँ पर वो दोनों पढ़ रहे होते हैं। और इस बार वो उन दोनों से बदला कैसे लेने वाला है वही सब आपको इस पूरे पूरे ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 70 मिनट की। दोस्तों यही थी टॉप 10 हाई स्कूल कोरियन ड्रामास। आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जोर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, वहां पर मैं आपको कोरियन ड्रामास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर मनीष कोहली के नाम से। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय।